हाँ भाई, ये तो क्या चल रहा है आजकल। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। अरे बाप रे, ये तो मजनू भाई है। कौन मजनू भाई? बहुत बड़ा डॉन है भाई। सो गाइस, यार आज हम लोग टाउन हॉल 9 की एक ऐसी अटैक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, जिस अटैक स्ट्रेटजी में आप लोग सिर्फ टाउन हॉल 9 के ट्रुप से यूज कर सकते हो। सिर्फ टाउन हॉल 9 के ट्रुप से यूज करके आप लोग किसी भी वॉर बेस को 3-स्टार कर सकते हो। सो भाई, इस आर्मी में सिर्फ दो ही ट्रुप्स है, एक तो विजर्ड, दूसरे हो गए अपने विचेस। 18 विचेस लेनी है आप लोगों को, 4 अर्थक्वेक स्पेल, 1 जंप स्पेल, 1 रेज। 1 रेज भी ले सकते हो या फिर हील भी ले सकते हो। एंड 2 आप लोगों को लेनी है स्केलेटन स्पेल्स, एंड सीसी में आप लोगों को जायंट्स यूज करने हैं। तो भाई, सबसे पहले अभी हम लोग देखने वाले ये अटैक स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, एंड उसके बाद हम लोग लाइव अटैक करने वाले हैं। तो भाई, ये बेस देख लो, यहाँ पे ये बेस किसी भी वॉर बेस से कम नहीं है, एंड इसके पास एनिमी के पास 30-30 के हीरोज है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग कौन सी आर्मी यूज करते हैं, सबसे पहले लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक गोलम डाल देंगे, यहाँ से इस साइड से किंग और क्वीन और सीसी को डाउन कर लेंगे, उसके बाद हॉकिंग से पूरा बेस क्लियर कर लेंगे। लेकिन इस बेस के ऊपर 18 विचेस के साथ भी 3-स्टार हो सकता है। तो भाई देखो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 4 अर्थक्वेक स्पेल यूज करनी है। ऐसा कंपार्टमेंट आप लोगों को फोड़ना है जहाँ से ज्यादा कंपार्टमेंट्स ओपन हो, एंड जंप स्पेल आप लोगों को ऐसी डालनी है जहाँ से सीधे जायंट्स अंदर घुस सके। एंड एक साइड पे 6 विचेस, दूसरे साइड पे 6 विचेस, बीच में 6 विचेस, हीरोज बीच में, एंड एक विजर्ड आएगा सिर्फ बीच में, ठीक है। सीसी की आप लोगों को दिक्कत देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है सीसी प्रॉब्लम दे सकती है, तो एक स्केलेटन की जगह आप लोग पॉइजन भी ले सकते हो, एंड 2 स्केलेटन लेने का यहाँ पे एक ही इंटेंशन है। जितने भी विजर्ड टावर्स है वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, तो विजर्ड टावर डिस्ट्रैक्ट होते हैं स्केलेटन स्पेल्स से, तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे स्केलेटन स्पेल्स लिए थे। ये देख लो, यहाँ पे ये बेस बहुत ही जल्दी 3-स्टार हुआ, लगभग 1 मिनट 45 सेकंड में ही 3-स्टार हुआ था ये बेस। तो ये देख लो, स्पैम विचेस नहीं करने आप लोगों को, सर्जिकल विचेस, मतलब एक साइड पे 6, दूसरे साइड पे 6, बीच में 6 डालनी है बस। एंड आप लोगों को अर्थक्वेक स्पेल बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। अगर आपके अर्थक्वेक स्पेल्स गलत हो गए या फिर जंप स्पेल गलत हो गया, तो भाई अटैक फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे विचेस है, एंड जो आपका किंग है वो टैंक करेगा, मतलब जो भी गोलम रहेगा, आप लोग गोलम यूज करते हो गो विच में या फिर विच स्लैब में, उसी की जगह आपका किंग भी यूज हो सकता है अगर आप लोग अच्छे से किंग को इस्तेमाल करते हो तो। भाई यहाँ पे देख लो, सीसी में इसके पास गोलम था लेवल 4 का, एंड इस अटैक स्ट्रेटजी में सिर्फ आप लोग टाउन हॉल 9 के ही ट्रुप्स यूज करके भी 3-स्टार कर सकते हो। भाई ये हो गया था यहाँ पे 3-स्टार अटैक। अभी एक और रिप्ले देख लेते हैं। तो भाई अभी ये वाला बेस देख लो, ये वाला भी वॉर बेस किसी वॉर बेस से कम नहीं है, एंड इसके पास भी हीरोज 30-30 के हीरोज हैं। एंड आर्मी देख लो यार, एकदम सिंपल है, बेस्ट आर्मी है, चीप नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। एंड यहाँ पे देख लो, अर्थक्वेक स्पेल से पूरा वो कंपार्टमेंट जो था पूरा खाली हो गया कंपार्टमेंट, एंड जंप स्पेल देखो, यहाँ पे जंप स्पेल से जायंट्स अंदर जा रहे हैं, एंड अंदर जाने के बाद पूरे के पूरे रास्ते खुले हैं, तो आराम से ये वाला बेस 3-स्टार निकल जाएगा। एंड बीचेस देखो, यहाँ पे 6, दूसरी साइड पे 6, एंड बीच पे 6, एंड बीच में हीरोज, एंड आप लोग रेज स्पेल की जगह हील स्पेल भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोगों ने ये डाल दिया स्केलेटन स्पेल, इससे जितने भी वहाँ पे विजर्ड टावर्स है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थोड़ी देर के लिए। एंड इसके पास सीसी में लावा हॉन्ट था लेवल 1 का, एंड यहाँ पे किंग देख लो, किंग टैंक का काम करता है भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी है किंग। अगर आपके पास लेवल 30 का किंग है तो भाई बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है लेवल 30 का किंग। ये देख लो, पूरा कंपार्टमेंट लगभग किंग ने ही साफ कर दिया, एंड ये जो विजर्ड टावर था जो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता था, यहाँ पे देखो कितने सारे स्केलेटन्स थे, तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ही आ जाती अगर वहाँ पे किंग नहीं होता तो। एंड किंग ने भाई काम तमाम कर दिया विजर्ड टावर का, एंड इस विजर्ड टावर ने देखो यार सबकी माँ बहन एक कर दी यार, इस विजर्ड टावर ने यहाँ पे कितने सारे स्केलेटन्स थे, सभी के सभी स्केलेटन्स गायब हो गए यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पे बंच है भाई, यहाँ पे अगर गलती से जायंट बॉम्ब निकला ना भाई तबाही मच जाएगी, यहाँ पे निकल गया जायंट बॉम्ब। तो यहाँ पे बहुत सारे विचेस है, अभी भी क्वीन है, क्वीन के पास एबिलिटी पड़ी है, यहाँ पे एक और जायंट बॉम्ब निकल गया, चलो कोई नहीं, फिर भी 3-स्टार आ गया। भाई आप लोग कुछ भी करके स्केलेटन स्पेल बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने गलत जगह पे स्केलेटन स्पेल यूज कर लिया एंड विजर्ड टावर ने एंड अगर विजर्ड टावर एक बार लॉक होगा स्केलेटन्स के ऊपर, तो भाई आपका अटैक फेल ही हो सकता है। तो
भाई ये तो निकल गया यहाँ पे 3 स्टार। ठीक है, अभी हम लोगों ने 2 अटैक्स दिखा दिए, अभी लाइव अटैक करते से हम अटैक स्ट्रेटजी के साथ, अभी लाइव अटैक करेंगे। तो गाइस यार अभी हम लोग एक लाइव अटैक करने वाले सेम अटैक स्ट्रेटजी के साथ, आर्मी तो सेम है अपनी। चलो करते हैं यहाँ पे लाइव अटैक, एंड बहुत ही तगड़ा बेस है, बहुत कॉम्पैक्ट बेस है। कॉम्पैक्ट बेस पे इस अटैक स्ट्रेटजी से 3 स्टार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 2 विजिट टावर्स है, यहाँ पे 2 विजिट टावर्स है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सो ये पोर्शन हम लोग खाली करेंगे अभी। ठीक है, ये वाला पोर्शन अभी हम लोग खाली करेंगे। ओके, ये पोर्शन खाली हो चुका है। यहाँ पे आएगा अपना जंप स्पेल, यहाँ पे जायंट्स आएंगे, यहाँ पे विजर्ड्स, सॉरी अपने ये विचेस आएंगी, यहाँ पे हीरोज, जैसे विचेस एंड एक विजर्ड। ठीक है, सो अपने पास अभी भी एक ही रेज स्पेल है, तो अभी एक रेज स्पेल यहाँ पे डाल लेते हैं। ओ हो, हॉक राइडर्स थे इसके पास, यहाँ पे एक स्केलेटन स्पेल आएगा, देखो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, हो गया ना डिस्ट्रैक्ट विजर्ड टावर। ओके, यहाँ पे आएगा एक स्केलेटन स्पेल, लगता है फिर से गलत जगह पे डाल दिया, इसकी हेल्थ देखो बहुत ही कम है, मर गया फाइनली। अभी भी किंग के पास एबिलिटी है एंड एक विजर्ड टावर, सबकी बैंड बजा सकता है यहाँ पे, सबकी मतलब सबकी। सो ये विजर्ड टावर का प्रिकॉशन लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी भी हीरोज है अपने पास, किंग भी है। भाई मुझे ये अटैक स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इस पर आप लोग सिर्फ टाउन हॉल 9 के ट्रुप से यूज़ कर रहे हो, फिर भी 3 स्टार आ जाता है। ओके, किंग को देंगे एबिलिटी 1 2 3, वेट करेंगे, अभी वेट, क्वीन को देंगे सबसे पहले, अभी देंगे किंग को एबिलिटी। ओके, कितने विचेस बची है, अरे विचेस मर गई क्या, सिर्फ 3 ही विचेस, प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, बारबेरियंस हैं, एंड ये विजिट टावर गया, एंड ये एक्सबो भी गया, एंड भाई 3 स्टार है भाई ये बेस। देखो यार कितने सारे स्केलेटन्स हैं, कितने सारे बारबेरियंस हैं, कितने होंगे बारबेरियंस, 8 बारबेरियंस, 10 बारबेरियंस, पता नहीं, लेकिन ये वाला बेस 3 स्टार है। ओके, अभी हम लोग एक और लाइव अटैक करने वाले सेम अटैक स्ट्रेटजी के साथ, बहुत ही ओवर पावर अटैक स्ट्रेटजी। इसमें ना तो आप लोग टाउन 10 के ड्रॉप्स यूज कर रहे हो, ना ही 11, ना ही 12, सीसी में भी आप लोग सिर्फ टाउन 9 के ड्रॉप्स यूज कर रहे हो, एंड ऐसा नहीं है कि जायंट्स मैक्स यूज कर रहे हो, जायंट भी लेवल 6 के ही रहेंगे यहाँ पे। तो करते एक दो अटैक्स और। ओके, एक और बेस मिल गया। ओ भाई साहब, ये भी बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट बेस है, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस बेस को मैं कहाँ से करूँ वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे विजिट टावर से 2, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते, तो यहाँ पे आएगा अपना ये अर्थक्वेक स्पेल, पूरा पोर्शन खाली हो गया, मजा आ गया। यहाँ पे आएगा अपना जंप स्पेल, जायंट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हीरोज, विजर्ड, एंड सभी के सभी अपने आएंगे यहाँ पे, विचेस, हॉग राइडर्स है क्लैन कासल में, यहाँ पे रेज स्पेल डाल देंगे अभी हम लोग। चलो किंग जल्दी से अंदर जाओ भाई, मजा आ जाएगा, किंग अगर अंदर जाएगा ना भाई बहुत ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे गया किंग अंदर, यहाँ पे स्केलेटन स्पेल आएगा, दोनों के दोनों विजिट टावर डिस्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे एक और स्केलेटन स्पेल की जरूरत पड़ सकती है, मैंने डाल दिया बहुत ही जल्दी, बहुत सारे स्केलेटन्स है, बहुत सारी विचेस है अंदर, एंड किंग मरने ही वाला है, ओ जायंट बॉम्ब, किंग मरने ही वाला है बहुत ही जल्द। क्वीन 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 क्वीन, एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, चलो 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 भाई 3 स्टार, नहीं बचा सकता अभी इस बेस को, कोई भी नहीं बचा सकता 3 स्टार होने से। अरे एक मोटर बच गया, मोटर को उड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मोटर भी उड़ेगा। चलो चलो क्वीन, कम ऑन क्वीन, ये बात, क्वीन की एबिलिटी अभी भी पड़ी है भाई अपने पास, बेस हो गया 3 स्टार, लगभग अभी भी 1.5 मिनट बचे हैं, एंड बेस 3 स्टार हो गया, क्वीन को देंगे एबिलिटी, हो गया भाई 3 स्टार हो गया,
लगभग 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर, नहीं 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 1 मिनट, अभी भी 1 मिनट 20 सेकंड बचे, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड हो गए अभी। यहाँ पे एक बिल्डर हट है, हो गया भाई 3 स्टार हो गया, मजा आ गया, लगभग 2 मिनट में 3 स्टार हो गया भाई। ओपी अटैक स्ट्रेटजी यार, बहुत ही ज्यादा ओपी अटैक स्ट्रेटजी है। एक और अटैक कर लेते हैं, ठीक है, एक और लाइव अटैक कर लेते हैं। क्या बताऊं यार इस आर्मी के बारे में, सिर्फ आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है कहाँ पे आप लोगों को स्केलेटन स्पेल्स डालने हैं, कहाँ पे आप लोगों को अर्थक्वेक स्पेल एंड जंप स्पेल कहाँ पे डालनी है। ओ भाई साहब, ये बेस देख लो यहाँ पे, अब ये भी बहुत ही तगड़ा बेस है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काम करते हैं भाई इस बेस के ऊपर। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे आएंगे अपने सभी के सभी स्केलेटन स्पेल्स, सॉरी अपने ये अर्थक्वेक स्पेल्स। यहाँ पे एक जंप स्पेल आएगा बीच में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गलती से 7 गिर गए, यहाँ पे भी 7 गिर गए, 5 यहाँ पे एंड वीजर्ड और विचेस यहाँ पे। यहाँ पे आएगा अपना रेज स्पेल। ओके, लावा हॉर्न डिक्लाइन का असल में, चलो भैया देखते क्या होता है। एंड 2 विजिट टावर्स है यहाँ पे, 2 विजिट टावर्स डाउन होने चाहिए। किंग की हेल्थ अभी भी फुल है, तो भाई वो बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये क्वीन लॉक हो चुकी है लावा हॉन्ड के ऊपर। अभी मुझे स्केलेटन स्पेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे, उनको एबिलिटी देनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे डाल लेते हैं हम लोग स्केलेटन स्पेल्स। सभी के सभी स्केलेटन्स गायब हो गए भाई, सभी के सभी स्केलेटन्स गायब हो गए यहाँ पे। पे एक और स्केलेटन स्पेल डालेंगे ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्वीन के पास एबिलिटी है, यहाँ पे बहुत सारी विचेस है, यहाँ पे भी विचेस है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। एक विजिट टावर है, सबको गायब कर सकता है एक विजिट टावर, सबको पूरा अटैक पलटने की ताकत रखता है ये अकेला विजिट टावर। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि भाई फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विचेस है, क्वीन है, क्वीन जल्द से जल्द डाउन कर लो वो विजिट टावर भाई, मजा ही आ जाएगा। अभी मैं एबिलिटी यूज़ करने वाला हूँ, चलो यूज़ कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी यूज़ कर ली क्वीन की एबिलिटी ताकि ये विजिट टावर जल्द से जल्द डाउन होना चाहिए बस। एंड हो भी गया, अब आ गया मज़ा, ये आ गया 3 स्टार भाई। ओपी है यार, क्या है इस अटैक स्ट्रेटजी में, कुछ भी तो नहीं है, इतनी पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी, सिर्फ टाउन हॉल 9 के ट्रूप्स यूज़ कर रहे हो आप लोग भाई, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, मतलब विचेस पे दिल आ गया भाई, इतनी ओवर पावर अटैक स्ट्रेटजी। एंड 2 मिनट में ही 3 स्टार अटैक हो जाता है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी है। तो भाई आप सभी लोग भी कमेंट करके बताना, आप लोग अगर टाउन ऑन लाइन के, सिर्फ टाउन ऑन लाइन के ट्रुप से अटैक अगर आप लोग करने वाले हो वॉर में, तो आप लोग कौन सी आर्मी यूज करोगे, मैक्सिमम लोग कौन सी आर्मी यूज करेंगे, लावलून यूज करेंगे या फिर मैस वल्गैरी की अटैक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं या फिर गोहॉक अटैक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। लेकिन 18 विचेस की अटैक स्ट्रेटजी भाई, ओपी, ओवर पावर, जी फाड़, खतरनाक वाला हबीबी, मजा आ गया भाई ये अटैक स्ट्रेटजी यूज करके। तो भाई आप सभी लोग भी एक बार जरूर यूज करके देखना ये वाली अटैक स्ट्रेटजी। एंड यार सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना, बेल आइकन कोई दबा ही नहीं रहा, जल्दी से बेल आइकन दबाओ। मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।